दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से आविष्कार हैं जिन्हें बनाने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन वो आविष्कार अचानक अपने आप हो गए, जिनमें से एक है माचिस। माचिस के आविष्कार की कहानी सुनकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। अब हुआ यूं कि एक ब्रिटिश फार्मासिस्ट जॉन वॉकर, जो केमिकल को लकड़ी की स्टिक पर लगाकर दवाएं बनाते थे, एक दिन उन्होंने पाया कि कुछ केमिकल लकड़ी की स्टिक से चिपक गए हैं, जिसे हटाने के लिए उन्होंने उस लकड़ी को थोड़ा सा घिसा और घिसने से वो स्टिक जल उठी। इस तरह 1827 में माचिस की तीली का आविष्कार हुआ। लेकिन शुरुआत में जिन केमिकल का इस्तेमाल कर इस माचिस को बनाया गया था, उसमें कई बार विस्फोट भी हो जाता था, जिसे 1832 में केमिकल में कुछ बदलाव कर ठीक किया गया। लेकिन इन केमिकल में इस्तेमाल होने वाला फास्फोरस काफी विषैला धुआं छोड़ता था, जिसे 1855 में स्टीवन ट्यूबकर ने कुछ अन्य रसायन का प्रयोग कर इसे एक सुरक्षित माचिस बनाया। भारत में माचिस बनने की पहली फैक्ट्री 1927 में लगाई गई थी।